अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड स्पेशल एपिसोड। मंडे से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीम्स के प्रैक्टिस सेशन जारी हैं। दो दिन बाद कराची में न्यूजीलैंड की टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। हमारे खिलाफ टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी केन विलियमसन की जगह टिम साउदी करेंगे और एज अ टेस्ट कप्तान ये इनका पहला असाइनमेंट होगा। वेल उनको ये असाइनमेंट में कौन से प्लेयर मिले हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वाड में होंगे वो खुद साबिका कप्तान केन विलियमसन और विकेट कीपर टॉम ब्लेंडल, इश सोडी, माइकल ब्रिसवेल, एजाज पटेल, डेवन कॉनवे, टॉम लेथम और डेरिल मिचेल। इनके अलावा मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर, नील वैगनर, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स और हेनरी निकल्स। न्यूजीलैंड का स्क्वाड भले ही फुल स्ट्रेंथ हो लेकिन मुझे यकीन है अगर हमारे प्लेयर्स चले गए तो न्यूजीलैंड टीम कुछ नहीं कर पाएगी। खतरा है तो सिर्फ एक प्लेयर का, इश सोडी या फिर इंद्रबीर सिंह सोडी। इनके खतरे की वजह ये नहीं कि ये न्यूजीलैंड के सबसे काबिल स्पिनर है, खतरनाक तो माइकल ब्रिसवेल भी है, एजाज पटेल भी है, लेकिन सोडी का खतरा इसलिए है कि वो एशिया की पिचेस को अच्छी तरह जानते हैं। पिछले साल दुबई में T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की जानिब से सिर्फ सोडी ने रंग दिखाया था और अभी हाल ही में पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने यही कहा था कि मैं अपने आप को आधा पाकिस्तानी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से थे, मेरे आज भी पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं जिनसे मैं मुलाकात करूंगा। अगर आपको याद हो तो उस्मान ख्वाजा ने भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान आकर कुछ ऐसा ही कहा था। उस सीरीज में उन्हें जब और जहां मौका मिला उन्होंने सेंचुरीज लगाई। अभी इंग्लैंड सीरीज से पहले रेहान अहमद ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, उन्होंने भी अपने डेब्यू पर 5 विकेट हॉल क्लेम किया। उस 5 विकेट हॉल में बाबर, रिजवान और हमारे सीरीज के सबसे कंसिस्टेंटली बल्लेबाज सऊद शकील भी शामिल थे और अब ऐसा कह दिया है सोडी ने। और सोडी एशिया की पिचेस को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के स्पिन कंसल्टेंट हैं। तो इससे पहले सोडी भाई भी हमारे लिए अजाब बन जाए, बाबर भाई सोडी के लिए प्लानिंग कर डालो। अब आते हैं हमारे स्क्वाड पर। वैसे स्क्वाड तो इंग्लैंड सीरीज जैसा ही है लेकिन इंग्लैंड सीरीज में अजहर अली रिटायर्ड हो गए थे, टीम में उनका स्पॉट बिल्कुल खाली था। उस स्पॉट को भरने के लिए एक्सपर्ट्स में काफी मारामारी हुई। कुछ ने कहा कि इस स्पॉट पर कायद आजम ट्रॉफी में 73 के एवरेज से 1024 रन बनाने वाले मोहम्मद हुरैरा को होना चाहिए और हुरैरा ने इस साल वाकई बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई है। इस एक ही कायद आजम ट्रॉफी में 4 सेंचुरीज उनके नाम है, एक ट्रिपल सेंचुरी भी है। कुछ ने कहा कि इस कायद आजम ट्रॉफी में 72 के एवरेज से रन बनाने वाले उस्मान सलाहुद्दीन को टीम में होना चाहिए लेकिन अजहर अली का स्पॉट दिया गया है कामरान गुलाम को। भले ही इस साल वो कायद आजम ट्रॉफी के टॉप 10 स्कोरर्स में भी नहीं लेकिन जैसी परफॉर्मेंस मोहम्मद हुरैरा और उस्मान सलाहुद्दीन ने इस साल दिखाई है ऐसी कामरान गुलाम पिछले 3 साल से कायद आजम ट्रॉफी में दे रहे हैं और जैसी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं वो टीम में जगह डिजर्व करते हैं। दूसरी चेंज के तौर पर मोहम्मद अली हो चुके हैं आउट, उनकी जगह सिलेक्शन हुई है हसन अली की। वैसे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल मीर हमजा भी थे, मीर हमजा ने तो सिलेक्शन ना होने पर ट्वीट करते हुए कहा कि अगर कोई सबर से काम लेता है तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। देखो भाई हम तो चाहते हैं जो टीम में सेलेक्ट हो वो परफॉर्मेंस दे, चाहे वो मीर हमजा हो या वो हसन अली। बात तो सही है। एक बार आपको बताते हैं हमारा कंप्लीट स्क्वाड। टीम में होंगे कप्तान बाबर, विकेट कीपर रिजवान और सरफराज, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और अजहर अली की जगह आए कामरान गुलाम, शान मसूद, मोहम्मद नवाज, आगा सलमान, पिछली सीरीज के टॉप परफॉर्मर सऊद शकील, अबरार अहमद और मोहम्मद अली की जगह आए हसन अली। उनके अलावा शोल्डर इंजरी से वापसी कर रहे नसीम शाह, वसीम जूनियर और नौमान अली। ये थे दोनों टीम्स के मुकम्मल स्क्वाड। वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।